आम का सीजन और आम के साथ रेसिपीज ना बने ऐसा कैसे हो सकता है। वेलकम बैक टू सुपर मॉम्स रेसिपीज वंस अगेन। तो आज हम बना रहे हैं आम की खट्टी मीठी चटनी, वो भी मेरे अंदाज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बड़े से पतीले में बहुत सारा ताज़ा पानी ले लिया है और उसके बाद मैंने 2 किलो आम को अच्छे से धो लिया है। मेरे पास था दशहरी आम, यानी कि ये बिल्कुल कच्चा था, हल्का हल्का पकना स्टार्ट हो गया था, तो हल्की सी मिठास देता है ये आम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप। मैंने एक किचन टॉवल लिया, उसके ऊपर मैंने सारे जो भी वॉश करके आम रखे थे इनको बहुत अच्छे से पैट ड्राई करके सुखा लेना है। कोशिश करें कि आम जो है वो बहुत अच्छे से सूख जाए। अगर आपके पास टाइम बहुत खुला है तो आप इसको हवा में या धूप में भी रख सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। मैंने यहाँ सुखाने के बाद एक ट्रे में निकाल लिए हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उससे पहले आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप सुपर मॉम्स रेसिपीज पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियोस में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ज़रूर बताया करें। अब मैंने आम को पील करना स्टार्ट कर दिया है। एकदम पतला वाला छिलका निकालिएगा इसका, बहुत ज़्यादा इसको कुरेद के नहीं निकालना, बस ऐसे ही हल्के हाथ से पील करना है। और जब तक मैं ये पील कर रही हूँ ना, तब तक मैं आपको एक बात बताती हूँ। आम तौर पे ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर इस रेसिपी की खास बात यह है हमें बहुत कम मेहनत करनी है। हाँ, आम तो देखो छीलने ही पड़ेंगे, इसको तो मैं मेहनत में कंसिडर ही नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमेशा मन लगा के ही बनाई जाती हैं। और मेरे को याद है जब हम लोग छोटे होते थे ना, तो मम्मा ऐसी चीज़ें पता कब बनाते थे, जब कोई घर पे आता जाता नहीं था, यानी कि दिन ढलने के बाद। क्योंकि अक्सर बड़े बुजुर्ग ना ये कहते थे कि इन चीज़ों को ना नज़र लगती है, बनाते टाइम कोई सिर पे नहीं चाहिए, बनाने के बाद चाहे कटोरा भर के दे आएंगे। सच सच बताना ऑनेस्टी से, आपके साथ भी होता था ना ऐसे? कमेंट्स में ज़रूर बताना, सच कह रही हूँ ना मैं। अगर आपने नोटिस करा, मैंने 2 किलो आम में से 1.5 किलो के करीब कद्दूकस कर लिए और जितने बाकी बच गए उनको ऐसे फ्रेंच फ्राइज की तरह काट के एक बड़े से बॉल में डाल के रख दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये स्टेप्स ध्यान से देखना। एक बड़े बॉल में दोनों तरह के आम को हमने डाल दिया और इसमें डाली है लगभग 700 ग्राम चीनी। 2 किलो आम थे और 700 ग्राम चीनी। एक बड़ा चम्मच भर के काला नमक का गया है और इसी में क्या है, 1 चम्मच भर के देगी मिर्च का, ये तीखी वाली मिर्च नहीं है, और आधा चम्मच भर के कलौंजी सीड्स, आधा चम्मच काली मिर्च और 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर। इनको हाथ के साथ मसलना है, बहुत अच्छे से मसलना है। इसमें प्लीज संकोच ना करिए, चम्मच से भी आप कर सकते हैं, पर जब हम हाथों से करेंगे ना, हमें हाथों से करते करते हल्का हल्का इनको प्रेस करना है और इनको मिक्स करना है, मतलब जिससे जो आम है ना और चीनी वो आपस में रस जाए। और ऐसा हमें तब तक करना है जब तक ये अच्छी तरह घुल मिल ना जाए। और 10 मिनट के लिए मैंने ढक के छोड़ दिया है। पूरे 10 मिनट के बाद देखिए चीनी ने पानी छोड़ दिया है और एज इट इज इसको हम उठा के कढ़ाही में डाल देंगे। किसी तरह का भी कोई घी तेल इसमें हम नहीं डालेंगे और बस एज इट इज़ कढ़ाही को उठा के हम फुल फ्लेम पे रख देंगे। और मैंने ऐड करा है फाइनली 1 बड़ा चम्मच सौंफ का, और सौंफ डालने के बाद हम इसको फुल पे ही रखेंगे। हमें इसको लो फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है इस स्टेज पे, और इसको अनअटेंडेड भी नहीं छोड़ना, यानी कि इसको चलाते रहना है ताकि साइडों से ये कहीं से भी लग ना जाए। 5 मिनट तक इसको फुल फ्लेम पे ऐसे ही चलाते पकाते जाना है। पूरी रेसिपी में हमें 2 ही बातों का ध्यान रखना है, एक तो जो आम है वो गल जाए, दूसरा जो पानी है वो सूख जाए। 5 से 10 मिनट तक हम इसको खूब अच्छे से ढक के पकाएंगे। अभी इसमें पानी था इसलिए मैंने थोड़ा सा ओपन छोड़ा है, और 10 मिनट के बाद ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा हो गया है। बीच में मैंने इसको एक बार चला दिया था, अच्छे से चलाया था ताकि कुछ भी नीचे ना लगे, सारी साइड्स मैंने स्क्रेप कर दी थी। मैंने अब फ्लेम बिल्कुल बंद कर दी है। उसके बाद हमारा मेन टारगेट है इस चटनी को हमें चेक करना, कैसे पता चलेगा ये बन गई है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। बहुत ही ध्यान से सारी इंस्ट्रक्शंस को सुनिएगा। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट आती है कि चटनी बहुत थिक हो गई या हार्ड हो गई। तो ज़रा सी चटनी को अपनी फिंगर्स के साथ ऐसे टच करें और ये जब चिपचिपी होनी शुरू हो जाए तो मतलब चटनी डन है। अगर इसमें तार बनती तो मतलब वो चटनी हमारी ठीक होने के बाद एकदम जम जाएगी। और यहाँ पे हम चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 बड़े नींबू का रस हम ठंडा होने के बाद इस चटनी में डाल देंगे और खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से चीनी में क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगी
और हमारी चटनी हो गई है बिल्कुल रेडी। 1 साल तक भी आप इसको संभाल के रखिएगा, इसमें कोई भी ना तो फंगस लगेगी और ना ही इसका टेस्ट बिगड़ेगा। तो जल्दी से जाएं, वेट किस बात की, आम का सीजन है और आम की चटनी ना बनाएं, ऐसे थोड़ा ना होता है। जल्दी से जाएं और मुझे ज़रूर बताएं आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और देखते रहें सुपर मॉम्स रेसिपीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर अभी तक आपने नहीं करा तो।